इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। इजरायल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। गवाही देनी शुरू करते ही नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को हेलो कहा। इसके जवाब में एक जज ने कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वो इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे ताकि सच कह सके, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री भी हैं और 7 मोर्चे पर जंग के बावजूद देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, ये समझ से परे है।